तो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज आरएस के चार्ट। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था एंड उसमें मैंने कहा भी था कि वीडियो थोड़ी सी अलग आने वाली है। सो रिसेंटली मैंने एक टी शर्ट खरीदा था जो कि ये वाली है, आप देख सकते हो, पूरा सिंपल है। सो जब मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कस्टमाइज दिस टी शर्ट। आज इस वीडियो में मैं अपने टी शर्ट को कस्टमाइज करने वाला हूं। सो या नाउ आई एम ड्रॉ सेल्फ पोर्ट्रेट ऑन माई टी शर्ट विथ एक्रिलिक पेंट। सो ये एक्रिलिक पेंट अगर आप क्लोथ में यूज़ करते हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। एक्चुअल में मैं ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा फियर भी हूँ एंड काफ़ी नर्वस भी हूँ। बाय द वे, फोटो ये वाली है जिसे मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। ओहो, न्यू टी शर्ट। सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक्चुअली मैं इस ड्रॉइंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए ओनली 4 एक्रिलिक पेंट यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर मैं इनका कलर का नेम बताऊँ तो वाइट है, ब्लू है एंड ब्लैक एंड ऑरेंज है। सो इन 4 कलर का यूज़ करके मैं इस पूरे पेंटिंग को कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर मैं फेस में कहूँ तो मैं फेस में यूज़ करूँगा ऑरेंज एंड वाइट कलर का। सो मैंने कुछ इस तरीके से मास्किंग टेप का यूज़ करके इसकी ग्रिड ड्रॉ करके इसकी आउटलाइन को कम्प्लीट कर लिया है। तो एक्चुअली आप देख सकते हो जो मेरी ग्रिड है उसमें मैंने थोड़ा बहुत मेरे से मिस्टेक्स हो गया था, बट उसे मैंने सही करने की कोशिश करी है एंड ये एंड में सही हो भी गया है। सो चलिए अब कलरिंग को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट द कलर। तो एक्चुअल में जो अभी कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं वो वाइट एंड ऑरेंज मिक्स कलर है, और जो ऑरेंज कलर है उसको आपको बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करनी है वाइट कलर के साथ, तभी आप एक स्किन टोन को क्रिएट कर सकते हो। ब्रश मैंने 4 टाइप्स के यूज़ करे हैं एंड ये चारों ब्रश काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बट जब मैंने आईब्रोज को ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो ये उसमें वर्क नहीं कर पाया, उसके लिए थोड़ी सी और पतली होनी चाहिए थी। स्टिल मैंने इसी से कोशिश कराया कि काफ़ी अच्छी तरीके से मैं रिजल्ट दे पाऊँ। एंड स्किन टोन्स के लिए अगर आप ऑरेंज 10% लेते हो तो वाइट कलर है उसे आप 50% लो। सो इसी तरीके से आपको एक स्किन टोन मिलेगी, स्किन टोन्स को आप इजीली क्रिएट कर पाओगे इसी तरीके से। सो आप अपने रिफ्लेक्शन से भी ऑब्जर्व कर सकते हो एंड उस तरीके से आप ऑरेंज कलर को ले सकते हो। आपको पता ही होगा जो एक्रिलिक कलर है वो काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा फास्टली ड्रॉ करना पड़ता है। वैसे अगर आप स्लो भी ड्रॉ करोगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ग्लो कर सकते हैं। इस तरीके से करके मैंने पूरे फेस को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है, जो कि आप इस तरीके से आप रिजल्ट देख सकते हो। कंप्लीट हो जाती है, सो एंजॉय द फाइनल मोमेंट। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर वीडियो ज़्यादा सभी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कोई भी डाउट्स हो आपके मन में इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।